नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। आज आपको बताएंगे फिल्म डॉन से जुड़े पांच वो फैक्ट जिनको शायद ही कोई जानता होगा। 1978 में जब डॉन रिलीज हुई, ये उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी। टॉप थ्री में तीनों अमिताभ बच्चन की फिल्में थीं। पहले नंबर पर मुकद्दर का सिकंदर और दूसरे पर उनकी फिल्म त्रिशूल थी। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये डायलॉग भला कोई कैसे भूल सकता है। 1978 में रिलीज हुई फिल्म डॉन के इस डायलॉग ने अमिताभ बच्चन को हिट किया। सालों बाद भी इस फिल्म की कहानी और गानों को लोग याद करते हैं। डॉन हिंदी सिनेमा की क्लासिक और कल्ट फिल्मों में से एक है, जिसको शुरुआत में तो दर्शकों को बिल्कुल भी नहीं भाई, लेकिन जब चली तो ऐसी कि छप्पर फाड़ कमाई के साथ साथ कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद 12 लाख के कर्जे में डूबे प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी को अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और चंद्रा बरोट ने एक और फिल्म बनाने की सलाह दी। इन तीनों से उनकी मुलाकात फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की मेकिंग के दौरान हुई थी। नरीमन उस फिल्म के छायाकार थे और चंद्रा बरोट डायरेक्टर मनोज कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर के बाद सुर्खियों में छाए हुए थे। अमिताभ सहित सभी ने उन्हें भरोसा दिया कि वो फिल्म के लिए कोई भी पैसा नहीं लेंगे, अगर फिल्म हिट हुई तो अपनी फीस लेंगे वरना नहीं लेंगे। अपने दोस्तों की सलाह पर नरीमन फिल्म बनाने के लिए तैयार हुए। फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी चंद्रा बरोट को दिया गया और फिल्म में मुख्य किरदार के लिए अमिताभ बच्चन, जीनत अमान ने हाँ कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल फिल्म की कहानी को लेकर थी। अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी को सलाह दी कि वो फिल्म की कहानी के लिए सलीम जावेद के पास जाए। नरीमन ने सलाह मानी, लेकिन सलीम जावेद ने उन्हें इतनी महंगी कहानियाँ सुनाई कि नरीमन ईरानी वापस आ गए। इत्तेफाक से नरीमन ईरानी की पत्नी सलमा ईरानी वहीदा रहमान की हेयर ड्रेसर थीं। उन्होंने वहीदा के जरिए सलीम जावेद के पास अपने पति नरीमन ईरानी की सिफारिश भेजी। ऐसे में सलीम जावेद की जोड़ी ने उनसे कहा कि हमारे पास एक ऐसी कहानी है जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र और प्रकाश मेहरा जैसे बड़े नाम इस कहानी को नकार चुके हैं। तुम यह कहानी ले लो, अगर फिल्म हिट रही तो पैसे दे देना और फिल्म फ्लॉप हुई तो कोई पैसे नहीं लेंगे। ये कहानी कोई और नहीं बल्कि फिल्म डॉन की कहानी थी। प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी ने यह कहानी ले ली और अमिताभ बच्चन और चंद्रा बरोट को कहानी पसंद आ गई। इस फिल्म का नाम डॉन क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सलीम जावेद इस कहानी को डॉन वाली कहानी कहा करते थे। चंद्रा बरोट को भी ये नाम पसंद आ रहा था। ये देखकर नरीमन ईरानी ने इस फिल्म को डॉन नाम से रजिस्टर करा दिया, जबकि मनोज कुमार ने नरीमन को सलाह दी थी कि वो अपनी फिल्म का नाम मिस्टर डॉन रखे, क्योंकि उस वक्त मुंबई में डॉन नाम का एक अंडरवियर ब्रांड भी बहुत पॉपुलर था। फिल्म की मूल कहानी में नरीमन ईरानी ने खुद भी थोड़े बदलाव किए थे। फिल्म की कहानी को पूरा कर जब चंद्रा बरोट ने अपने गुरु मनोज कुमार को सुनाई तो उन्होंने चंद्रा को सलाह दी, क्योंकि यह फिल्म एक एक्शन फिल्म है तो इसके सेकंड हाफ में कोई हल्का फुल्का गाना होना ही चाहिए ताकि दर्शक हल्के फुल्के मनोरंजन का भी लुत्फ उठा सकें। मनोज कुमार की सलाह मानते हुए चंद्रा बरोट और नरीमन कल्याण जी आनंद जी से मिले। फिल्म के वही म्यूजिक तैयार कर रहे थे। फिल्म मेकर्स की बातों को सुनकर उन्होंने वो गीत दिया जिसे तैयार तो किया गया था 6 साल पहले,
देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए। ये गाना था खाई के पान बनारस वाला, जिसे आज भी लोग बड़े शौक से सुनते हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन बदकिस्मती देखिए, जिस प्रोड्यूसर की मदद के लिए ये फिल्म बनाई जा रही थी, वो फिल्म के पूरा होने से पहले ही दुनिया से चल बसे। दरअसल एक दूसरे फिल्म की शूटिंग के चलते नरीमन ईरानी राजकमल स्टूडियो में थे, जहां एक हादसे के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन तंगी की हालत में भी चंद्रा बरौट ने फिल्म को नहीं रोका और 3.5 साल के बाद फिल्म को पूरा कर बिना प्रचार के रिलीज किया। पहले हफ्ते फिल्म को अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन दूसरे हफ्ते से इस फिल्म को दर्शक मिलने शुरू हो गए और यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आने लगी। ये उस साल की 3री सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई और तब फिल्म ने कुल मिलाकर 7,20,00,000 की कमाई की थी। फिल्म के 5 गाने सुपर हिट रहे। इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, आशा भोसले को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर और अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। अमिताभ को जब अवार्ड दिया जा रहा था, तो उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी की विधवा सलमा को स्टेज पर बुलाया और ये सम्मान दोस्त नरीमन और सलमा को समर्पित कर दिया था। ऐसे हैं हमारे अमिताभ बच्चन। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा। खाई के पान बनारस वाला को शूट करते समय अमिताभ बच्चन के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। दरअसल लावारिस मूवी की शूटिंग के दौरान बिग बी का पैर फ्रैक्चर हुआ था और फिर उन्होंने ऐसे ही खाई के पान बनारस वाला गाना शूट किया। यही कारण है कि इस गीत के निर्माण के दौरान बिग बी पूरे समय लंगड़ा कर चल रहे थे। किसी ने गौर किया क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बेहतरीन गाने को रिकॉर्ड करते समय गायक किशोर कुमार को वास्तव में पान चबाना पड़ा था और फिर उसे प्लास्टिक सीट पर थूकना पड़ा। उन्होंने ऐसा किया ताकि यह ऑन स्क्रीन पूरी तरह से नेचुरल लगे। यकीनन उनका यह फैसला पूरी तरह से सही था। इससे गाने के बोल एक वास्तविक प्रभाव डाल रहे थे। आप लोगों को तो शायद पता भी ना हो, लेकिन इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारा फरीदा जलाल ने भी अभिनय किया था। दरअसल उन्होंने इस फिल्म के लिए बॉम्बे हवाई अड्डे पर 5 मिनट का सीन शूट किया था, लेकिन बाद में निर्माताओं को एहसास हुआ कि उनके किरदार ने फिल्म में ज़्यादा वेट नहीं डाला, जिसके चलते बाद में उनके रोल को फिल्म से हटा दिया गया था। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।